बसमिल्लाज़ीम बिस्मिल्लर नाजन कर वरम वक् रज़ा नजफ़ इराक़ के खूसी सेगमेंट कारवान शहादत में सरज़मी विलायत सरज़मी नजफ़ अशरफ से हाज़िर खिदमत हों नाजर कराम आज हम जिस इमाम हुसैन सलाम के बारे में गुफ्तु करेंगे उनसे ज़्यादा उनका कहा हुआ जुमला मशहूर है कि अना मज़नूनुल हुसैन, जी हाँ मेरी मुराद जनाब आबिस इब्न शबीब शाकरी है जनाब आबिस इब्न शबीब शाकरी का ताल्लुक़ कबीला बनी शाकिर से था जो कि हमदान कबीले की एक शाख है यह कबीला बड़ा बहादुर और जंगजू कबीला था और यह सब्बाह के लक़ब से मशहूर था जिसके माना है वक़्त सुबह के जवां मर्द क्योंकि पुराने ज़माने में जंगें अक्सर अवकात सुबह के वक्त होती थीं इसलिए इस वक्त की नस्बत इनकी तरफ़ दी गई जनाब आबिस इबन शबीब शाकरी भी अपने कबीले वालों की तरह बड़े जंगजू बहादुर प मुतकी और परहेज़गार इंसान थे और मौला सलाम के साथ जंग सिफ़ीन और नहरवान में शरीक थे कबीला बनी शाकिर के बारे में मौला अली सलाम ने जंग सिफीन के मौके पर फरमाया था कि अगर इनकी तादाद एक हजार तक हो जाए तो खुदा की इबादत इस तरह होती जिस तरह होनी चाहिए थी जनाब आप में रहते थे जब जनाब मुस्लिम इबन अक्ल कोफ़ा में वारद हुए तो जनाब मुख्तार सकफ़ी के घर में पहला जलसा मुनद करके इमाम हुसैन सलाम का ख़त सुनाया तो उनमें से सबसे पहले जनाब आबिस खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया और ये कहा कि मुझे इन लोगों का तो पता नहीं लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं मैंने यह तय कर लिया कि मैं आखिरी दम तक आपका साथ दूंगा इनकी तकरीर इतनी जाम और पुरमज थी कि जनाब हबीब इबन मज़ाहिर ने इनकी तारीफ की और इन्हीं की तईद में अपनी नुसरत और वफादारी का अहद किया जब कुफा के अठारह हजार या एक रिवायत के मुताबिक चौबीस हज़ार लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली और जनाब मुस्लिम ने इस सूरत हाल से मतम होकर इमाम आलाम को इतला देना चाहिए तो जनाब आबिस के हमरा वो ख़त इमाम सलाम की तरफ़ रवाना किया जनाब आबिस अपने गलाम शोज़ब इब्ने अब्दुल्ला के साथ मक्का पहुँचते हैं खत लेकर और इमाम हुसैन सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं मक्का से इमाम के साथ करबला में पहुँचे हैं जब जनाब शोज़ब इब्ने अब्दुल्लाह दर्जा शहादत पर पहुँचे हैं तो जनाब आबिस इमाम हुसैन सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि यबन रसूल अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं और अपनी जान आप पर कुर्बान करूं और कहते हैं कि मौला अगर मेरे पास मेरी जान से भी ज़्यादा कोई कीमती चीज़ होती तो मैं वो भी आपके ऊपर कुर्बान करता लेकिन इस वक्त मेरे पास फ़कत मेरी जान बाकी है जो मैं आपके ऊपर कुर्बान करना चाहता हूँ इमाम हुसैन अम का आखिरी सलाम करके और कहते हैं कि मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ कि मैं आपके और आपके पिदरे बुजुर्गवार के रास्ते पर कायम हूँ। ये अल्फाज अदा करने के बाद इमाम से ली लेकर और तलवार खींचते हुए मैदान में पहुँचे हैं और वहाँ पर मुबारज़ा किया सदा दी आवाज़ दी कि है कोई मर्द मैदान जो एक मर्द मैदान के मुकाबले में आए वहाँ पर रबी इब्न तमीम जो कि करबला के मैदान में मौजूद था वो कहता है कि मैंने जब आबिस को आते हुए देखा तो मैंने पहचान लिया और अपने साथियों से कहा कि ए लोगों ये शेरों का शेर शबस इबन शबीब शाकरी है देखो कोई एक इसके मुकाबले में ना जाए जब उमर साद ने यह सुना तो उमर साद ने यह हुक्म दिया कि आबिस पर पत्थरों से हमला करो अजीज़ा ने मोहतरम जनाब आबिस के ऊपर पत्थरों से हमला हुआ चारों तरफ जब ये मंज़र देख कर जंग का ये तरीका देख कर जनाब आबिस ने अपनी ज़रा और अपने हिफाजती सामान को ज़मीन के ऊपर फेंका है और तलवा तलवार खींच कर मुखालफ की शफों पर टूट पड़े और रबी इबन तमीम कहता है कि मैंने देखा कि आबिस जिस तरफ भी रुख करते थे वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देते थे और सफूफ़े मुखालफ भागते हुए लश्कर मुखालफ लश्कर दुश्मन भागते हुए वहाँ से नज़र आता था क्या ख़ूब जंग की है जनाब आबिस इब्न शबीब ने अज़ान मोहतरम थोड़ी देर जंग के बाद जनाब आबिस को चारों तरफ से फ़ौज अश्किया ने घेर लिया और उनको कत्ल कर दिया और उनके सर को कलम किया गया लश्कर यजीद वाले आपस में लड़ने लगे झगड़ने लगे और हर कोई ये कहने लगा कि मैंने आबिस को कतल किया है वो दूसरा कहता है कि मैंने आबिस को कतल किया है यहाँ तक कि उम्र साद ने यह कह कहकर फैसला किया कि आबिस को कत्ल करना किसी एक के बस की बात ना थी बस तुम सब आबिस के कातिल हो तुम सब ने मिलकर आबिस को कत्ल किया है والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته